गई थी तो हंसी छूट गई। आप आइए ना, हाथ मुंह धो लीजिए। आइए वो इन बच्चों की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। इट्स ओके, इट्स ओके। अब बच्चे बदमाशी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? नहीं नहीं, आप ऐसा मत सोचिए। ये कुछ ही बच्चे हैं हमारे गांव में जो इतनी शैतानी करते रहते हैं। हर रोज कुछ नया सूझ जाता है इन्हें। नहीं तो हमारे जैतसर के बाकी सभी बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, बड़ों का आदर करते हैं, समझदार हैं। वैसे आपको पहले कभी देखा नहीं यहाँ? किसके यहाँ आए हैं? कोई रिश्तेदार तो होगा ना? मैं वो अपना जो है। चलो ना, हमें हॉस्पिटल जाना है, फिर घर जाकर आपको व्रत भी तोड़ना है। चांद निकलने से पहले घर पहुँचना पड़ेगा, चलो ना। अरे हाँ, अच्छा मुझे जाना होगा, एक बहुत जरूरी काम याद आ गया है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। नमस्ते। नमस्ते। चल चल। अरे बहुओ, क्या हो रहा है भाई? आएगा कि नहीं आएगा लुआ? जी पापा जी, अभी ले आई। लाओ जल्दी लाओ, आ गया। ये लीजिए। ये हुई ना बात, हलवा। हाँ, और ये रहा हलवा। हाँ ये है ना हलवा, पहले हलवाई। ये लीजिए। अरे वाह, डिलीशियस। इस स्वाद को मैं कब से मिस कर रहा था। अच्छा शिव, वो सुनीता जी है ना, उनकी बहन है उर्मी देवी। वो कई बार जिक्र कर चुकी है कि अगर उनकी बेटी की शादी तुझसे हो जाती तो बड़ा अच्छा होता। लेकिन रिसेंटली वो कोटा के मंदिर में किसी एक लेडी से मिली, किसी बहुत ओल्ड लेडी से मिली, और वो लेडी उनसे कह रही थी कि वो तुझे अच्छी तरह से जानती है, और वो ये भी कह रही थी कि तेरी कोई गर्लफ्रेंड है। हम लोगों ने जब ये बात सुनी तो हमें लगा कि आशिमा होगी, क्योंकि आशिमा ही तो आई थी इन दोनों तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर, और तुम दोनों तो बहुत पुराने दोस्त भी हो। हाँ, लेकिन अब जब तुम कह रहे हो कि वो लड़की आशिमा नहीं है, फिर कौन है? छोटी माँ, आशिमा मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, पर मैंने उसे कभी इस नजर से देखा ही नहीं। हाँ रही बात, जिस लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ तो उसका नाम
आनंदी है। आनंदी काफी पुराना पुराना सा नाम है, लेकिन सुना सुना सा लगता है। अच्छा छोड़, ये बता शिव कि आनंदी है कौन, कहाँ रहती है, क्या करती है, कितनी पढ़ी लिखी है, कैसी है, देखने में चल जल्दी ये सब। ओ बहू क्या, तुमने तो मशीन गन की तरह रैपिड फायरिंग शुरू कर दी है, जैसे वो हमारा बलबीर सिंह किया करता था। बलबीर सिंह, वो मेरी पलाश बलबीर सिंह। हाँ हाँ, कैसे आदमी। तो भाई एक बार क्या हुआ, वो क्या है, इसे क्या देख रहे हो? पापा जी ये कहानी आप 15वीं बार सुना रहे हैं। ठीक है। शिव, आनंदी वही लड़की है ना जो न्यूज में तुम्हारे साथ खड़ी थी, और सरपंच है यहाँ की, राइट? सरपंच, हाँ हाँ सरपंच, वेरी नाइस वेरी नाइस। कौन लड़की सरपंच के साथ खड़ी थी? जरा मैं भी तो सुनूं। कौन से मिशन से आ रहा है भाई? भैया पापा आप भी आए हैं, वाह आज तो एक के बाद एक सरप्राइज मिलती जा रही है। पापा ये सब क्या हो गया? बताता हूँ। चलिए ये बताओ कि ये आप भी क्या लगा रखा है? जहाँ सब लोग जंग लड़ने के लिए आए हैं तो क्या मैं पीछे रह जाता? कर्नल आलोक शेखर ऑलवेज लीड फ्रॉम द फ्रंट यंग मैन। ऑफ कोर्स प्लीज। तो क्या बात हो रही थी? ओ, क्या बात कर रहे थे हम? क्या पापा जी, कौन लड़की सरपंच के साथ खड़ी थी? ऐसा है कि कर्नल साहब, वो सरपंच आपके बेटे के साथ खड़ी थी। ये तुम्हारी भाषा को क्या हो गया है? सरपंच और खड़ी थी क्या? अरे अगर सरपंच लड़की है तो वो खड़ी ही होगी ना। यार छोड़ो, हमें क्या लेने देना कौन सरपंच किसका सरपंच, पहले तो ये बताओ कि युद्ध का बिगुल बजाया कि नहीं बजाया इसके खिलाफ। तुम लोगों ने फायरिंग वगैरह तो शुरू कर दी होगी, हमें राइट? गोली चलाई लेकिन जवाब में शिव ने हैंड ग्रेनेड फोड़ दिया, इसीलिए हलवा खाया जा रहा है। मुझे भी तो भाई, मैंने कौन सा पाप किया है? अरे क्या कर रहे हो? अपनी हालत तो देखिए, पूरी तरह कीचड़ से सने हुए। और ये सब कैसे हुआ, कहाँ गए थे आप? इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। गांव के पीछे वो गली नहीं है, वहीं से मैं जा रहा था अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए, वहीं पे कीचड़ पड़ा हुआ था, मैंने देखा ही नहीं। अच्छा मैं जा रहा था तो लेफ्ट पांव, ये लेफ्ट पांव कीचड़ की तरफ, अभी तक देखा नहीं है मैंने। जवान हॉल्ट, हम समझ गए तू गिर पड़ा था, यही ना? अब ज्यादा डिटेल में बता के टाइम क्यों खराब करता है यार? सुन तो लीजिए आप, मैं जानबूझ के नहीं गिरा, वो तो कुछ शरारती बच्चे थे, उनकी मेहरबानी से ये सब हो गया। पर एक बहुत ही समझदार बच्ची थी वहां पे, उसने मेरी हेल्प की और मैं यहां तक आ सका। मैंने उसका वीडियो भी निकाला, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, आप समझ जाएंगे सब कुछ। होगा जब बैटरी डाउन हो गई इसकी, इसलिए थोड़ा रिवाइंड स्लो हो रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, हम जानते हैं वीडियोग्राफर जी कि आप कितने अच्छे वीडियोग्राफर हैं, शूट तो सब कुछ कर लेता है लेकिन जब दिखाना पड़ता है ना तो अंदर कुछ दिखता ही नहीं है। अच्छा ये तो बता दो कि जिस काम के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे वो काम की बात आप लोगों ने इससे की या नहीं की, या अभी तक सिर्फ हालचाल ही पूछ रहे हो? अच्छा जाइए पहले कपड़े बदलिए, बाद में सब सुनाएंगे। अभी आया तो मिनट में, अब मेरे आने से पहले कोई इस बारे में डिस्कशन नहीं करेगा।
ओके अच्छा शिव सुनो ना बच्चा चुप गुड फैमिली अब ये आता हूँ लाइट में पापा जी ये तो बातचीत को बीच में पॉज करके चले गए इतना भी नहीं सोचा कि बात अगर अधूरी रह जाती है तो कितनी बेचैनी होती है यदि भैया के आने तक हम अपनी बात पूरी कर लेते हैं जब तक भैया आएंगे तब तक क्या चल रहा है बाहर मैं स्टैचू करके गया था ना सुन लिया कोर्ट मार्शल हो जाएगा तुम्हारा भी और मेरा भी सबसे ज्यादा तेज है अगर उन्होंने कुछ सुन लिया तो हंगामा कर देंगे आलोक के आने से पहले और भी बहुत से काम है वो कर लेते हैं बॉयज मार्च ऑल क्या है ये यहाँ आके तेरी रीढ़ की हड्डी भी ढीली हो गई है सीधा नहीं चल सकता क्या और कौन छुएगा सारे संस्कार भूल गया उस सरपंचने के चक्कर में तू आप लोग भी ना मैं कब से बताने की कोशिश कर रहा हूं और आप लोगों की आप लोगों का ड्रामा ही खत्म नहीं हो रहा ड्रामा क्या ड्रामा दिल कथा चल ली एक्टिंग की आपने आपको तो टीवी या मूवीज में काम करना चाहिए था अच्छा मैं तो सचमुच डर गया था क्यों तुझे क्या लगता है परेशान करना सिर्फ बच्चों को आता है अच्छा जा जाके अपनी छोटी माँ से मिल ले देख कैसे जल रही है कि हम लोग तुझे इतना परेशान क्यों कर रहे हैं? छोटी माँ दिनों बाद देखा है तुझे और तू इतना दुबला क्यों हो गया हर माँ को ना अपना बेटा दुबला ही लगता है चाहे उसका 4 किलो वजन बढ़ गया हो कोई 4 किलो वगैरह नहीं बढ़ा है देख तो अपनी हालत कुछ खाता पीता नहीं होगा ना ठीक से अरे ये देखो मसल्स देखो मेरी चल ये ले चल ले तेरा मनपसंद हलवा बनाया मैंने अगले जन्म ना मुझे लड़का बनकर पैदा हो मैं ताकि मेरे लिए कोई और व्रत रख ले मेरे बदले लाड़ो आजा आ बैठ बैठ ना ये खेल लाड़ो ऐसे तो पूरा पूरा दिन बिना खाए बिताए भी तू हाँ आज क्या हो गया भूख सहनी ना हो रही थरे से तब की बात और है माँ तब तो कभी काम की वजह से टाइम नहीं मिलता है तो कभी खाने का मन नहीं करता लेकिन इतना तो पता होता है ना कि जब भूख लगे आप खा सकते हो ये तो जबरदस्ती की बात है कि आप खा ही नहीं सकते जैसे कि कोई सजा मिली हो लाड़ो बचपना मत कर अरे ऐसे कूड़ कूड़ के व्रत रखने से की मतलब शांति से आस्था से व्रत रखेगी तभी तो फल मिलेगा कब जब मैं भूख से मर जाऊंगी तब लाड़ो ऐसी अशुभ बातें मुंह से नहीं निकालते बेटा देख साल में एक दिन तो व्रत रखा है तूने मैं तो ऐसी कई लुगाइयों को जानू हूँ कि जो न जाने कितने दिनों तक व्रत करती है वो भी अपनी खुशी से मर्जी से ना नुकुर किए बगैर देख लाड़ो और कहीं कहीं जगह तो ना छोरी को अपने ब्याह के दिन भी व्रत रखना पड़ता है जरा सोच उसकी हालत ब्याह के दिन बिना खाए भी है भूखी प्यासी तभी तो बेचारी दुल्हन शादी के मंडप में ही बेहोश हो जाती है कुछ भी करवाते हैं लोग रीत के नाम पे जिस दिन मेरी और जगत की शादी होगी ना तो उस दिन सुबह से पेट भर के इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें खा लूंगी जिससे कि ना मैं पूरी तरह से एंजॉय कर सकूं अपनी शादी मजाक नहीं कर रही हूं मैं सच कह रही हूं
हाँ 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 पेट भर कर खा लेना, लेकिन ब्याह के लिए मुहूर्त भी तो निकलवाना पड़ेगा ना। लाडो किसी पंडित को जाने हैं क्या जो अपने को चुप घड़ी बतावेगा? कल ही बुला देती हूँ उन्हें। अब और इंतजार नहीं होता माँ, जिस दिन भी पहला मुहूर्त मिलेगा ना उसी दिन शादी कर लूंगी मैं, और इस बार ना शान से सबके सामने पूरे अधिकार के साथ। उदयपुर से जो हम शिव पर आक्रमण करने आए थे तो कुछ बात बनी? कुछ कहा है इसने? क्या डिसिप्लिन? सिर्फ शेखर फैमिली को इस मामले में कोई मात दे ही नहीं सकता। Okay, statue over. Back to normal position. Yeah. Snacks come too. चीटिंग की आप लोगों ने? चीटर? नहीं, अब मैं बेकार में तारीफ किए जा रहा हूँ। बाबा जी अब बुरा मत मानेगा, आज के दिन मैं सच्चाई बोल देना चाहता हूँ, ऐसी टेढ़ी फैमिली पूरी दुनिया में नहीं है। ओए नालायक, भाई ये फैमिली जैसी भी है ना, मेरी भी है और तेरी भी है, समझा? ओके, अभी बताओ ना कि कुछ बात बनी? ठीक ठीक। बधाई हो कर्नल साहब। आपका बेटा शादी करने के लिए तैयार हो गया है। क्या बात कर रही हूँ? Congratulations, my boy. Congratulations. I'm so happy for you. It's the breaking news of the day. तो कब फैसला किया इसने शादी का? और वो उसी लड़की से ना, क्या नाम उसका? नंदी। आशिमा ने अपना नाम चेंज करके नंदी कर लिया? अरे नहीं भैया, ये जिससे शादी करना चाहता है उसका नाम आशिमा नहीं आनंदी है। ये जो आपका भोला भाला दिखने वाला बेटा है ना, बड़ा छुपा रुस्तम निकला। आशिमा हो, आनंदी हो, कुछ भी हो, दुल्हन वही जो पिया मन भाए। आप क्यों इतने खुश हो रहे हैं? आपका शिव की शादी में इंटरेस्टेड ही नहीं थे। मुझे इंटरेस्ट नहीं था? क्या मतलब? आप ही ने तो कहा था हमें क्या करना है, सरपंच है कि कोई और है, कहा था ना? हाँ, तो बाबा जी अभी सरपंच का हमारी शिव की शादी से क्या लेने देना? क्योंकि अकल के दुश्मन सरपंच ही आनंदी है। ये बात है, आनंदी बड़ा ही प्यारा नाम। रिश्तों का बंधन अटूट होता है, परंतु ये तभी स्वस्थ और सुखदायी हो सकता है जब परिवार के हर सदस्य को अपने जीवन के बारे में स्वयं निर्णय लेने का अधिकार हो और जो पूरे परिवार को मान्य हो।